अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि हम सीरीज रेट्स पे जो काम कर रहे थे उसमें आज एंड्रॉयड इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड्रॉयड जो मैं लगा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, मैक्सिलिंक कंपनी का एंड्रॉयड लगा रहे हैं। 216 इसकी मेमोरी है और आप देख सकते हैं ये मैक्सिलिंक का बॉक्स ओपन कर दिया हमने इधर से, और ये आप देख पा रहे होंगे ये एंड्रॉयड है। 9 इंचेस लगा रहे हैं, पहले मैंने जो लगा रखी थी वो हाइपरसोनिक 10 इंचेस थी लेकिन उसमें कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैंने उतार दिया उसको। लेकिन अभी जो मैं लगा रहा हूँ ये मैक्सिलिंक की लगा रहा हूँ इसमें, और 9 इंचेस है और प्रॉपर फिटमेंट के साथ। इधर आप देख पा रहे होंगे ये इसका फ्रेम है, जो फ्रेम में ये फिट होगी प्रॉपर। तो इसकी फिटमेंट करवाना चालू करवाता हूँ, देखते हैं किस तरीके से इसकी फिटमेंट होगी। साउंड में पहले आपको दिखा ही चुका हूँ किस तरीके का साउंड है, और आज भी हम दोबारा उसको रीचेक करा देंगे एक साउंड को भी किस तरीके का साउंड है, और बॉक्स में क्या क्या आता है ये भी चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये इसकी लीड वगैरह है, जैसे कि RC लीड वगैरह हो गई, ये इसका GPS एंटीना हो गया जो लगता है, एक ये USB केबल हो गई, इसके साथ साथ ये माइक हो गया, ये भी इसमें लगेगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। और दूसरा मैं इसकी फिटमेंट होने पर पूरा जो प्रोसेस है वो आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। Artlist.io Music Licensing Reimagined. ये आप देख सकते हैं फाइनली जो हमारा एंड्रॉयड लगना था वो इंस्टॉल हो चुका है। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये जो इसका 9 इंच का फ्रेम आता है ओरिजिनल, उसी फ्रेम में मैंने इसकी फिटमेंट कराई हुई है। आप इधर से भी देख पा रहे होंगे बिल्कुल 00 फिटिंग से ये फिटमेंट की गई है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं, कहीं पर भी आउटर फिटिंग नहीं है। इधर भी आप देखेंगे तो प्रॉपर एक लाइन में इसको फिट किया गया है इधर, क्योंकि पूरा ये फ्रेम है, ये जो पूरा है ये पूरा फ्रेम में फिट किया गया है। इधर ये नीचे की तरफ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले जो स्विच लगे हुए थे वो यहाँ पर काट के, एक मैंने DSP आता है पायोनियर का 80 PRS वो लगाया हुआ था, लेकिन वो मैंने अनइंस्टॉल करा दिया क्योंकि मेरे को इतने अच्छे साउंड की रिक्वायरमेंट उसमें आ नहीं रही थी। मतलब जो साउंड था उसका वो मेरे को इतना प्यारा नहीं लग रहा था, मैंने कहा यार क्यों फिर इतनी सारी चीज़ों को लगवाऊँ, एक बढ़िया सा यहाँ एंड्रॉयड होना चाहिए वो बहुत है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड लगवा दिया है, इधर ये वाला स्विच मैंने बदलवा दिया, नया लगवा दिया है। अब ये गाड़ी देखिए पूरी पैकिंग हो चुकी है इधर से फाइनली। इधर आप जब आ जाते हैं तो मैंने जैसे पहले बताया था यहाँ पर एक फोकल का 3-way लगा हुआ था, और टूटर जो थे वो यहाँ पर अंदर की तरफ इंस्टॉल थे, इस चीज़ पे अंदर इंस्टॉल थे, इस तरीके से उनका व्यू नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लुक इसका आ रहा है, मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत प्यारा लुक आ रहा है। तो ये मैंने इस तरीके से फोकल ही कंपनी के ये कंपोनेंट इंस्टॉल कराए हुए हैं, तो ये एक इंस्टॉलेशन हो चुकी है म्यूजिक सिस्टम में। पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें MTX का कंपोनेंट्स लगा हुआ है, वो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो ये फाइनली हमारा जो साउंड का सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट, सॉरी रिट्स का हमारा साउंड सिस्टम था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो साउंड की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सेटअप होनी है, वैसे मैं इसको स्क्रीन को ऑन करा के दिखा देता हूँ। मैक्सिलिंक की ये स्क्रीन में 9 इंची लगवाई है, और इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको किस तरीके से ये वर्किंग कर रही है, बहुत अच्छी। भाई बता रहे हैं चाइनीज़ है कंपनी, क्या है, देखो चाइनीज़ तो नहीं है, लेकिन मैंने जैसे हाइपरसोनिक भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसका P-Sonic भी यूज़ कर चुका हूँ, उससे बेस्ट है स्क्रीन जो मैंने यूज़ करा है। आगे पता चलेगा इसकी साउंड की जो सेटिंग है वो अभी होनी है, तो वो आगे मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर वो सेटिंग कैसे होती है, साउंड को किस तरीके से मैच करा जाता है, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें।